Assalamu alaikum. Today we are going to cover our last graphical method for representing data, that is OGIF curve. अच्छा भाई, OGIF curve आपके पास क्या है? First of all, it is always an increasing curve. ठीक है, और क्या है कि इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है, इट हैज एस शेप कर्व. और ये सारे पॉइंट्स आपको जब ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे ओगिफ कर्व का, तो फिर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. और लास्ट थिंग, आपके पास ये प्लॉट के किन क्वांटिटीज के दरमियान होता है? प्लॉट बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सही है. और रिमेम्बर दिस थिंग कि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे प्लॉट होती है. सही है. और अपर क्लास बाउंड्री आपके पास ये होती है एक्स एक्सिस पे. ठीक है, यस और नो, ये बात क्लियर हो रही है? नाउ लेट्स सी द डेटा फॉर ओगिफ कर्व. सी, आपके पास क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई और अपर क्लास बाउंड्री आ गई. ठीक है, यानी यहां पर क्लास इंटरवल नहीं लेना, ना ही क्लास बाउंड्री लेनी है. सिर्फ क्या लेना है? अपर क्लास बाउंड्री आपने वाली वैल्यूज लेनी है. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और ये डेटा जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की जो फर्स्ट टाइप थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें से डेटा मैंने ले लिया. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? 11 है, 16 है, 25, 35 एंड सिमिलरली 45 तक. ठीक है, और आपके पास अपर क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है? 36.5, 60.5. ये सारी वैल्यूज आपकी ओगिफ करके लिए लिख ली. अब इन सारी वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं. लेट सी, ये सारी वैल्यूज प्लॉट कर ली. यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी आ गई वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास अपर क्लास बाउंड्री आ गई. अब जिस अपर क्लास बाउंड्री के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, जस्ट हम उसको पॉइंट आउट कर देंगे. आपके पास देख लेते हैं, 36.5 के पास कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 11. जस्ट मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, फिर हम इसको प्रॉपरली प्लॉट कर देंगे. 60.5 के ऊपर क्या आ रही है? 16 आ रही है. ठीक है, ये रही. और 84.5 पे फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है. ठीक है, और 108.5 के ऊपर 35 है, ये आ गई. ठीक है, और 132.5 के ऊपर 43. ठीक है, और 156.5 के ऊपर 44 है. ठीक है, और 180.5 के ऊपर 45 है. तो यहां से भी, इन पॉइंट से भी आपको दिख रहा होगा, इट इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग कर्व. यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब जो एस शेप बनती है ना, वो आपको कर्व जब बन जाएगा उसके बाद वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा. अब इसको प्रॉपरली हमने प्लॉट कर दिया सारे पॉइंट्स को. ठीक है, अब ज्वाइन हमने करना है. जो सेकेंड पॉइंट था हमारा, इट हैज एस शेप कर्व. वो एस शेप कर्व कैसे बनती है? सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे, लेट्स सी. इस तरीके से तो हमें एस बनता हुआ नजर आ रहा होगा. इन पॉइंट्स को बाय हैंड ज्वाइन करने के बाद हमें एस बनता हुआ नजर आ रहा है. ये बात क्लियर हुई? इस तरीके से. ठीक है, जब भी हमने कहा कि इट हैज एस शेप कर्व, इज इट क्लियर? यस और नो. अच्छा भाई, दिस इज ऑल फ्रॉम द ओगिफ कर्व. आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा. काइंडली मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स.